हेलो दोस्तों, रचना सिंह ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मीशो ज्वेलरी। मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मंगाई है मीशो से, मीशो ऐप से, और इस पे ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है। मैंने जितनी भी ज्वेलरी मंगाई है वो बहुत ही अच्छी आई है, मुझे कोई भी कमी नहीं आई है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है मीशो से। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको एक रिंग। तो ये रिंग मैंने मीशो से मंगाई थी, और ये शायद 400 की समथिंग की थी। तो ये बहुत प्यारी लगती है पहनने पर, तो देखिए मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका एक नंग गिर गया है और वो रखा है मेरे पास, मैं उसको लगा दूंगी। तो ये पहनने पर बहुत प्यारी लगती है, और मतलब ये अकेली पहनो ना तो बात पे बहुत अच्छी लगती है, और इसका कलर भी इतने प्यारे हैं कि बहुत अच्छा लगता है इससे हाथ। देखिए मैंने मंगवाई थी, और एक ये रिंग मंगवाई थी मैंने, ये ब्लैक कलर की रिंग है, और इस पर जरकन नंग लगे हुए हैं आसपास, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। और ब्लैक कलर जो होता है ना वो तो मतलब बहुत खिलता है हाथ पर, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है रिंग। ये देखिए, ये पहनने पर बहुत प्यारी लगती है, और जो बड़ी रिंग होती है ना उनको अपन सिंगल ही पहनो तो बहुत अच्छा लुक देती है। और अभी तो मैंने दो तो तीन चार रिंग डाली हुई है, लेकिन जब इनको पहनती हूँ ना कहीं बाहर जाती हूँ तो सिर्फ एक ही रिंग पहनती हूँ, क्योंकि तभी इसका लुक सामने अच्छे से खिलकर आता है। और दो चार रिंग पहने हो ना तो फिर उतना अच्छा मजा नहीं आता। तो ये भी मंगाई थी मैंने रिंग मीशो से। और देखिए मेरी ज्वेलरी, मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मंगाई है मीशो से, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर मतलब मिल नहीं पाती इतनी अच्छी, तो ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी। देखिए सबसे पहले इयररिंग्स, मुझे इयररिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इयररिंग्स बड़े बड़े, और मुझे ये लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो इयररिंग्स का और ज्वेलरी वगैरह का। मतलब कहीं पर भी जाओ या कोई फंक्शन हो तो मतलब किसी से मांगना ना पड़े, अपने पास ही बहुत सारा कलेक्शन हो। और मतलब जब कहीं जाते हैं या फिर कोई घर में कोई फंक्शन है तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आज क्या पहने, इस पर क्या मैच करेगा। तो मेरी मेरी तो मेरा मानना ये है कि सब कलर की ज्वेलरी होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ड्रेस पहनो या कोई भी साड़ी पहनो तो उससे मैच हो जाए। तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, एवरेज है। तो देखिए ये एक इयररिंग्स है, ये ग्रीन कलर के हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं पहनने पर, मैंने बहुत बार पहन चुकी हूँ इनको, तो ये पहनने पर बहुत अच्छा लुक देते हैं। और ये ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन कलर क्या है कि सब पर मैच हो जाता है, और आजकल तो ग्रीन कलर का बहुत क्रेज चल रहा है, मतलब ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पहनते हैं, ज्वेलरी हो या इयररिंग्स हो तो बहुत अच्छा लगता है ये। और ये भी इयररिंग्स हैं, देखिए ये कितने बहुत देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं और पहनने पर बहुत ज्यादा हैवी है। इनको पहनते हैं ना तो बहुत कान दर्द करने लगता है मेरा तो, लेकिन पहनते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं इयर रिंग्स। देखिए तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे, और ये बहुत महंगी भी है, 700 समथिंग के हैं, लेकिन मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिए। और मैं सोच नहीं रही थी कि ये इतने बड़े आएंगे, क्योंकि पिक में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये आए तो मुझे बहुत बड़ी लगी इयररिंग्स, और बहुत हैवी भी है, बट किसी भी ड्रेस पर पहनो ना तो बहुत अच्छा लुक देते हैं, तो आप भी जरूर मंगाइएगा। और ये कि ये चिक सेट है, तो ये मैंने मंगाया था, ये मैंने मीशो से ही मंगाया था, और ये मैंने अपनी नंद की शादी के लिए मंगाया था। तो ये मैंने बेस पर पहना था, तो ये ग्रीन कलर का था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और सबने तारीफ की थी कि बहुत अच्छा सेट है। तो ये देखिए जिस तरह से है, और इसमें ये धागा है, तो इसमें पहनने पर भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, मतलब कोई चुवन या कोई चुपता उपता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा लुक भी देता है और पहनने पर भी बहुत मतलब
आरामदायक है। और इसके इयररिंग्स भी हैं, तो ये हैं इसके इयररिंग्स। तो इयररिंग्स इसके थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन मैचिंग जब पूरा सेट पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत अच्छा जमता है। और ग्रीन कलर का तो मैंने बता ही दिया है कि ग्रीन कलर तो मतलब हर किसी पर जमता है, कोई रेड साड़ी हो या ग्रीन भी हो तो भी उस पर जमेगा, मतलब सब पर खिलता है ग्रीन कलर। तो ये मेरी ज्वेलरी हो गई, अभी और भी है मैं बता रही हूँ। अब देखिए ये दूसरा डिब्बा खोल रही हूँ मैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं। देखिए इसमें है ब्लैक कलर के रिंग इयररिंग्स, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे। ये देखिए ये भी पहनने पर बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब ब्लैक कलर है तो सब पे मैच हो जाते हैं। और इनकी जो टोकरी है वो बहुत बड़ी बड़ी है, बट ये ज्यादा हैवी नहीं है, पहन सकते हो आप आराम से इनको। तो एक ये इयररिंग्स है, और ये भी मंगाए थे मैंने। ये देखिए ये तो बहुत ही बिल्कुल यूनिक डिजाइन है इसकी। ये मतलब मैंने जब इसको ऑर्डर किया तो मैंने सोचा था ये पैक में बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, मैंने सोचा कि ये तो बहुत छोटे हैं, मतलब डेली वेयर के हिसाब से ले लूंगी मैं। तो जब मैंने जब ये आए तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये पहनने पर बहुत प्यारे लगते हैं। और मतलब कोई ड्रेस हो ना जैसे गाउन वगैरह तो उस पर ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। और एक ये भी मंगवाए थे मैंने, ये तो छोटे छोटे ही हैं लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं। सिल्वर कलर की है ये, तो आजकल सिल्वर कलर का बहुत क्रेज चल रहा है, लगता है सब लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं और अच्छा लुक भी देता है। उसी का सेट गले में और उसी की इयररिंग्स और उसकी मतलब चूड़ी वगैरह भी आने लगी है सिल्वर कलर की, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए। और एक एक सेट और है मेरे पास, तो इसमें है दो सेट, एक लॉन्ग है और एक चिक सेट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। देखिए एक ये है रेड कलर का लॉन्ग है ये, तो ये मैंने मंगवाया था अपनी एनिवर्सरी पर और मैंने इसको पहना भी था, तो सबने इसकी बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छा सेट है। ये देखिए इस तरह से, तो ये लॉन्ग सेट है और मतलब अच्छा लगता है, चिक सेट भी बहुत अच्छा लगता है और लॉन्ग भी है तो अधिकतर साड़ियों पर ये बहुत अच्छा लगता है। और रेड कलर है तो इसका भी कॉम्बिनेशन हर साड़ी के साथ बन जाता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है पहनने पर। और इसके साथ ये इयररिंग्स भी आए थे, ये इयररिंग्स हैं इसके, ये देखिए। तो ये भी मतलब सेट पूरा पहनो ना तो आप बहुत अच्छे लगते हो, और कोई भी चीज हो जब उसको अपन तरीके से पहनेंगे, और मतलब ये है कि पहले ये तो अच्छा नहीं लग रहा तो ये गलत बात है, जब इसको अपन तैयार होंगे और पूरा सेट के साथ पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। कोई भी चीज हो जब आप तैयार होके पहनोगे और मतलब पूरा सेट पहनोगे, ऐसा नहीं कि इयररिंग किसी और के सेट किसी और का, पूरा सेट पहनते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो ये भी मेरे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगता है ये भी पहनने पर। और एक ये है चिक सेट, तो ये भी बहुत अच्छा है और ये भी मेहरून, ये मतलब ये रेड कलर का, ये मेहरून कलर का है। ये देखिए ये भी पहनने पर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मतलब बहुत प्यारा लगता है, सबके साथ सूट हो जाता है ये। और इसके इयररिंग्स भी हैं, ये देखिए इसके इयररिंग्स हैं गोल, ये छोटे। चिक सेट भी बहुत अच्छा लगता है पहनने पर, ये इस तरह से पहनते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत मतलब कोई सभी कलर ले सकते हो आप, लेकिन मैंने ऐसा कलर लिया जो लगता है सब पे चल जाता है, क्योंकि और जो लाइट कलर आते हैं ना वो यदि उसी कलर की साड़ी हो ना तो उस पर मैच करते हैं और अदर कलर पर मैच नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा कलर है मेहरून या ग्रीन भी ले लो इसमें, तो ये अधिकतर सब पे चल जाते हैं, तो मैंने इसी पर्पज से मंगाया था इसको, मैंने कहा ये सब पर चल जाएगा। और एक एक ज्वेलरी और भी है, ये मैंने पिछले करवा चौथ पर मंगाई थी, तो ये भी बहुत, जब मैंने इसको पहना था ना पहले तो ये किसी को पसंद नहीं आ रही थी देखने पर, लेकिन जब मैंने इसको पूरे सेट के साथ पहना तो बहुत अच्छा लुक दे रही थी ये। देखिए इस तरह से, इसका भी रेड कलर है तो ये इस तरह से लगती है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ तो इयररिंग्स भी आए थे और बेंदी भी आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इयररिंग्स। तो ये है इसकी इयररिंग्स,
बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखिए इयररिंग्स है इसकी, और इसमें पीछे मतलब ये अलग ही सिस्टम है इससे, मतलब ऐसे है इसमें ये, तो इसमें मतलब वो नहीं लगाना पड़ता पीछे से, तो ये अच्छे से पहन जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने पिछली करवा चौथ पर यही सेट पहना था, और इसका भी मैरून कलर है, इसका गोल्डन और रेड कलर मिक्स है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है पहनने पर, और साड़ी वगैरह के साथ तो बहुत भी अच्छा लगता है। दोस्तों आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और मैंने ये सारी ज्वेलरी सिर्फ मीशो से मंगाई है, और मीशो बहुत अच्छा ऐप है, शॉपिंग ऐप है लॉर्ड, तो आप भी जरूर मंगाइएगा, और आपको भी मतलब जब मंगाओगे तो आपको बिलीव हो जाएगा कि मीशो से बहुत अच्छी क्वालिटी आती है ज्वेलरी की, और हर चीज की क्वालिटी अच्छी आती है मीशो पर। तो मैंने तो अभी वैसे ही ज्वेलरी ही मंगाई है ज्यादातर मीशो से, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को शुभ रात्रि।